हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रामपुर वासी ब्लॉग्स। और आज हम लोग आ गए हैं टोंस नदी पर। लोहरा ये कैनाल पंप लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये पूरे चौड़े चौड़े पाइप के 12 पंप लगे हुए हैं। ये देखिए दो उधर हैं और 8 इधर हैं, 4 इधर हैं। ये देखिए इधर से ये पूरा कनेक्टिविटी इसमें आई है मोटी मोटी पाइपों की। और ये रिवर है, इधर से पंप सही ऊपर निकाले गए हैं। आइए और पास से आपको चल के दिखाते हैं। यहाँ से ये देखिए दो इधर लगे हुए हैं और 8 इस रो में हैं, उधर से 4 किनारे हैं। पूरा एकदम मोटे मोटे पाइप लगे हुए हैं, कितनी मजबूती देखिए इसमें ज्वाइंट किया गया है। इसमें सभी में एक एक पंप लगा हुआ है, सभी से पानी वहाँ नदी से आके उठ के इधर आता है, तो फिर यहाँ पे जाकर पानी गिरता है, तो फिर यहाँ से आगे ये नहर पूरा सिंचाई के लिए लोगों को, जो गांव की तरफ आप उठ के यहाँ पे नहर गई है, तो नहरों की सिंचाई व्यवस्था ऐसे ही की जाती है। यहाँ देखिए ये पूरा निकलता है, बहुत प्रेशर सा पानी निकलता है। आगे जाके 2-3 नहरें जो भी पार्ट होता है उसमें जाके ज्वाइंट हो जाता है। आइए बैक कैमरे से आपको हम दिखाते हैं पीछे का नज़ारा। यहाँ से ये नदी है आपका, और उधर से ये कैनाल के पंप की जो पाइपें हैं ये अंदर से जुड़ के निकली हुई हैं, मोटी मोटी पाइपें हैं सब आके। ये पूरा उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें सारे मोटर्स हर पार्ट में जितने आप विंडोज देख रहे हैं सब में नीचे सभी में लगे हुए हैं मोटर। और चलिए आपको और चल के पास से दिखाते हैं। ये हमारे आलोक भैया हैं, साथ में आए हैं, मैं तो यहाँ कभी आ नहीं पाता, भैया ने बताया कि चलिए इधर चल के आपको दिखाया जाए। हमारे तरफ एरिया में सब निर्माण हुआ है तो भैया के साथ आए हैं हम। तो गाइस हम लोग गेट पे इसके आ गए हैं अंदर से चल के, और अंदर का भी आपको जो भी मशीनें लगी हैं, जो भी पंप लगे हैं, वो नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए आप लोग, हम आपको चल के पूरा विस्तार से दिखाएंगे, सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये देखिए अभी आपको वहाँ हम खड़े थे वहाँ सब कुछ दिखा रहे थे, ये देखिए अभी यहाँ से आ गए हम लोग, कितना गहराई पे यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए टोंस पंप आधुनिकीकरण परियोजना लोकार्पण महेंद्र सिंह के द्वारा ये बना हुआ है, जो कि माननीय मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। यहाँ तक आपका उत्तर प्रदेश लगा था, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर ही है। इसके आगे आप जाएंगे तो फिर MP का क्षेत्र लग जाएगा। आइए अंदर आपको पंप का दिखाते हैं। ये देखिए सावधानी लिखी हुई है इसमें, हम लोग सीढ़ियाँ सब नीचे उतर रहे हैं। वो पंप भी दिखाते हैं यहाँ पे, कितने पंप लगे हैं और कितने हाई पावर पंप लगे हैं। ये देखिए अभी हम लोग नीचे उतरते चले जा रहे हैं, कितना नीचे है, बहुत सारी सीढ़ियाँ यहाँ पे हैं, और जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खतरनाक मंजर भी है यहाँ का। ये देखिए घिरनियाँ लगी हुई हैं नीचे ऊपर करने के लिए पंप। देखिए गाइस कब से उतर रहे हैं हम लोग, उतरते चले जा रहे हैं, कितने नीचे आ गए हैं, पर अभी ख़त्म नहीं हुआ एरिया। कबूतर यहाँ लग रहा रहते हैं, बहुत कबूतर लैटरिंग किए हैं गाइस। ये देखिए इतने बड़े पंप क्या आपने देखे हैं, कमेंट जरूर बताइएगा, आप लोगों ने इतना बड़ा पंप कभी नहीं देखा। देखिए कितनी मोटी पाइप से सप्लाई होकर पानी आगे जाता है प्रेशर से, यही आगे जाकर नहरों में निकलता है, तो फिर आगे सिंचाई होती है। देखिए ये पाइप 1P1 लिखा है, P2 P3 करके, हाँ भैया, तो ऐसे करके पूरा 12 देखिए लास्ट में वो 12 लिखा है ना, तो 12 पाइप पंप पूरा।
चलते हैं पंप वगैरह, तो यहाँ पे पावर हाउस के भी जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुत ज्यादा पंप लगे हैं, ज्यादा बिजली का सेक्टर है। ये स्पेशल 35,000 इसके लिए अलग से हुआ है, पावर हाउस से अलग है। गाइस आपको देखिए अंकल जी बता रहे हैं 35,000 वोल्ट का यहाँ पावर हाउस अलग से व्यवस्था किया गया है स्पेशली यहाँ के लिए, ताकि पानी की सप्लाई में मोटर चलने के लिए कोई बिजली की कमी किसी तरह न पड़ पाए। बाकी और पंप बने लगभग कितने साल हुए होंगे यहाँ? 1974 का बता रहे हैं लगभग पंप बना हुआ है, काफी पुराना है। तो यहाँ का लगभग पूरा एरिया की यहाँ की सिंचाई सब यहाँ से होती है। ये देखिए और निर्देश में लिखा गया चौधरी चरण सिंह टोंस, ये टोंस नदी पर पंप बना हुआ है। तो अपना तहसील 12 यहाँ का लगता है, प्रयागराज जिले में अपने आता है, शंकरगढ़ ब्लॉक बता रहे हैं चाचा जी। तो और कुछ जानकारी यहाँ के टोंस नदी गहराई वहराई, यहाँ कितना गहरा पानी होगा लगभग? गहराई यहाँ लगभग मान लीजिए कि आप 50 फीट है नीचे पानी। बता रहे हैं 50 फीट लगभग यहाँ गहराई है, 50 फीट गहराई मतलब बहुत गहराई होती है यहाँ पे। अगर कोई भी इंसान यहाँ पे अगर चला जाए, जानवर चला जाए, तो आसानी से इसमें डूब सकता है, डूब के मर सकता है इसमें। तो गाइस आपको यहाँ की अच्छी खासी जानकारी चाचा जी के द्वारा मिली हम लोगों को, तो आइए और चल के नदी तरफ, उधर चल के हम लोग को कुछ उधर की चीजें पुल की तरफ दिखा देते हैं नजारा यहाँ का। ये लोहरा पंप कैनाल हेमवती बहुड़ा नंदन बहुड़ा द्वारा हेमवती नंदन बहुड़ा द्वारा ये निर्मित किया गया था, सांसद जी थे उन्हीं द्वारा ये कैनाल पूरा निर्माण किया गया है। बहुत बड़ा कैनाल है, काफी अच्छा खासा पैसा इसमें खर्च किया हुआ। देखिए पूरा ऊपर से ये ऊपर मोटे तार लगे हुए हैं, यहाँ से जो शटर होता है नदी पानी रोकने के लिए, ये तार इसमें से नीचे लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों इसमें मधु का छत्ता भी लगा हुआ, देख रहे हैं आप लोग, बहुत डर लग रहा है इससे कहीं ये अभी हम लोग दिखाएंगे कहीं हम लोग काटने न लगे तो बहुत पास नहीं जाएंगे। देखिए इधर भी छत्ता लगा हुआ है, ये देखिए बहुत ज़्यादा शहद इसमें है अभी। देखिए हम लोग इतनी दूर से यहाँ से चले आ रहे हैं पैदल अभी। आइए आपको भाई कैमरे से दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। ये देखिए गाइस हम लोग आ गए हैं अभी बीचों बीच नदी के, ये देखिए चिड़िया कोई उड़ती हुई जा रही है आगे। ये पानी और अवरोधक बनाया गया है, इधर पानी जो इधर उठता है, इधर प्रेशर ज़्यादा होता है तो पंप कैनाल लगे हैं, पंप से पानी ज़्यादा से ज़्यादा उठता है यहाँ से। ये देखिए नीचे भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और नीचे जाएंगे यहाँ का नज़ारा देखने के लिए। अभी हम लोग इधर से ही आए हैं नीचे और चल के आपको दिखा रहे हैं। डर भी लग रहा है दोस्तों यहाँ पे आने पे, नदी के बीच में है ये बना हुआ, हम लोग चल रहे हैं जैसे बीच समुंदर में बीच रहता है, उस पर बोट चलती हैं, वही हम लोग फीलिंग आ रही है इस पर चल के कि हम लोग बोट पे हैं, सफ़र कर रहे हैं पानी बीचों बीच। और ये पुल कौन सा है भैया? ये नारी बारी से कोराव जाने का पुल है, ये अभी नया बन रहा है, ये चालू हो गया कि नहीं अभी चालू हुआ है? ये भैया बता रहे हैं कि इसके साथ पुराना पुल भी है इसके उस तरफ, वो चल रहा है और ये वाला नया कंस्ट्रक्शन है, निर्माण हो रहा है, जल्दी ही ये भी चालू हो जाएगा। तो हम लोग कैनाल पे आए हैं, ये देखिए अभी एक लोग यहाँ पे दादाजी आए हैं, ये सामने देखिए इसमें स्नान भी करेंगे। ये देखिए इसमें जो लोहे की चद्दर लगी हैं यही तारों से जाता है, ये ढक दिया जाता है, जब सभी ये ढक जाएंगे तो पानी का उधर दबाव ज़्यादा हो जाता है, तो उधर पंप से पानी निकालने के लिए नहर में पर्याप्त पानी मिलता है, उसी लिए बनाया गया है पानी को रोकने के लिए शटर लगाया गया है। और इधर देखिए ये देखिए ये पत्थर डाल के बनाया गया है, एक लेयर इसमें देखिए अंदर दिख रहा है आपको, ये लाइन से एक लेयर इधर बनाया है, नीचे पूरे बढ़िया से ढलाई करके पत्थर लगाया गया है, उस पर पानी और उधर इधर भी बढ़िया ज्वाइन करके बनाया गया है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा यहाँ का कैनाल, लोहरा का कैनाल। इसमें एक अभी एक नाव दिखी है, वो देखिए अभी सिंगल नाव एक खड़ी है, बाकी तो और नाव यहाँ नहीं दिखे। ये भैया जी हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन आज हम यहाँ तक पहुँच पाए, आप लोग दिखा पा रहे हैं, वरना पता नहीं कब आना होता यहाँ पर। तो भैया को आप लोग थैंक यू बोलिएगा इनके।
देखा भी है, इसमें पानी प्रेशर आता है, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए नीचे के बहुत गड्ढे बनाए गए। और इसमें अभी यहाँ पे मछलियाँ भी देखने मिल रही हैं। और ये देखिए ये लोग जाल ले आए हैं मछली पकड़ेंगे। भैया मछली क्या करते हैं, बेचते हैं कि सिर्फ खाने लिए? तो भैया लोग बता रहे हैं सब मछलियाँ अपने खाने लिए यूज़ करते हैं। छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा पानी का अच्छा रहता है, इसलिए मछलियाँ आ जाती हैं। इधर देखिए ऊपर से इधर जाल लगाए हुए हैं, ये लोग मछली निकालते हैं। तो भाई पूरा कैनाल मैंने आपको दिखा दिया एक तरफ से, एक तरफ तक नीचे भी मैंने उतर के दिखा दिया है। अब वीडियो का हम लोग एंड करेंगे, आगे चल के हम लोग